भोपाल में टीला जमालपुरा के तीन आरोपियों के यहाँ नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर दी है। आप देख सकते हैं ये टीला जमालपुरा में छोटे छोटे से घर हैं जहाँ पर उनका अतिक्रमण तोड़ने के लिए नगर निगम का दस्ता यहाँ पहुँचा है। जो घर के लोग हैं रो बिलख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस कार्रवाई का, मगर जो जो बड़े 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 स्तर पर बहुत बड़ी संख्या में जिस तरीके से जो पुलिस यहाँ पहुँची हुई है और पुलिस ने पहले इनसे कहा है कि सामान निकालो, सामान निकालने के बाद आप देखते हैं देख सकते हैं कि लगातार पहले अंदर से सामान निकाला जा रहा है। अंदर से सामान निकालने के बाद वहाँ जो एक गली है वहाँ एक छोटी सी गली में ये अतिक्रमण है तो पहले उसको तोड़ा जा रहा है और ये समीर का मकान बताया जा रहा है, मगर उनके परिजनों का लगातार विरोध जारी है और सब रो रो के विरोध कर रहे हैं कि ये इनका घर नहीं है, मकान तोड़ा जाए। उनका आप देखिए कैसे पूरे परिजनों का रो रो के बुरा हाल है, मगर ये पहला आरोपी समीर है जिसका घर तोड़ा जा रहा है। उनके घर की महिलाएं लगातार इस बात का विरोध कर रही है, उनका कहना है कि जिसने गुनाह किया है सजा उसको दी जाए। इस तरीके से पूरे घर को गिराना अनुचित है। पूरे मोहल्ले में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ गए हैं विरोध करने के लिए, तमाशबीन आ गए हैं, मगर बड़ी बात यही कि सरकार ने तय कर लिया है कि इन आरोपियों को घर गिराना, तो पहला घर गिराया जा रहा है। ऐसे दो और आरोपी उनका घर भी लगातार गिराया जाएगा। टीला जमालपुरा में अंदर की इस गली में बहुत छोटे छोटे से मकान हैं, मगर उसके बाद भी इनको गिराने की लगातार कार्रवाई की जा रही है। दरम्यान हमें देशमुख के साथ गजेश न्यूज़ भोपाल।